एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा आती है कि तुरंत निकल जाता है। ऐसे प्रॉब्लम लेके लोग आते हैं, उसके लिए क्या करना है वो अभी मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शादीशुदा लोग जो है उनमें प्री मैरिज इजेकुलेशन का प्रॉब्लम है, और वो भी कुछ साल के बाद में, शादी के कुछ साल के बाद में ऐसे कंप्लेंट करते कि आजकल है ना मेरा जल्दी निकल जाता है, आधा मिनट एक मिनट में निकल जाता है। तो एक वो शादीशुदा लोगों का एक प्रॉब्लम है, और दूसरा एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जिनकी शादी होने की है वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में रिलेशनशिप में रहते हैं, सेक्स करते हैं, और उनका फोर प्ले करते करते उनका निकल जाता है, और फिर उनको शर्म आती है, गिल्ट लगता है, अपराध बोध की भावना आती है, फिर उसको क्या बोलना, और कुछ तो भी टाइम पास करेंगे वो, और फिर वो लड़की को अवॉइड करेंगे, अल्टीमेटली उनका ब्रेक हो जाता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं मेरी गर्लफ्रेंड बहुत समझदार है, वो जानती है कि नहीं नहीं ऐसे होते रहता है, तो आप डॉक्टर को सलाह करो, इसलिए मेरे पास में आते हैं। तो ये एक्साइटमेंट से तुरंत ही निकल जाना, मतलब इरेक्शन आ जाना और तुरंत ही निकल जाना, ये बहुत कॉमन है, स्पेशली जिनकी शादी होने की है। क्यों, क्या है कि जिनको गर्लफ्रेंड है शादीशुदा नहीं है, अर्थात उनका 8 दिन में 15 दिन में कभी कभी एक बार सेक्स होता है, रोज तो होता ही नहीं है क्योंकि रोज मिलना होता नहीं, और जब मिलना होता है तब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इतने दिन का डिप्राइवेशन है, वैसा देखा जाए तो अपनी भाषा में उपवास है, तो सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, देखते ही एक्साइटमेंट हो जाता है, फोर प्ले करते करते बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, और थोड़ा भी घिस गया तो तुरंत निकल जाता है, तो ये नॉर्मल है। अभी इसमें दवाई देके भी कितना फायदा होगा, नहीं होता है, क्योंकि दवाई देके भी इतना एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि दवाई देके भी नहीं होता है, उसका मतलब लेट नहीं होता है, फिर अभी क्या करना चाहिए। उनको तो मैं दवाई देता हूँ क्योंकि दवाई देके भी उनका फिर इरेक्शन डबल आ सकता है कुछ समय के बाद में, इसलिए मैं दवाई देता हूँ। मगर फिर वो लोगों को हम बोलते हैं कि ठीक है भैया, आप ऐसा कर दो कि ये अपना गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, 8-15 दिन का 1 महीने का गैप हो रहा है, और बाद में आप संपर्क में आ रहे हैं, तो सीधी सिंपल जो टेक्निक है वो ये है कि बस हाथ से करो, मास्टरबेशन करो, एक बार का वीर्य निकाल डालो, एक बार का मन को शांत करो, ताकि अभी आप जब जाएंगे गर्लफ्रेंड के पास में तो वो सेकंड टाइम होगा, वो सेकंड अटेम्प्ट होगा, फिर सेकंड अटेम्प्ट में तो आपको टाइम लग जाएगा, और फिर बोलते हाँ हमने ऐसा किया है और उससे फ़ायदा हो चुका है। तो जिनको इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है, बिल्कुल मतलब फोर प्ले में ही थोड़ा सा टच होने के बाद निकल जाता है, उन्होंने पहले हाथ से करना चाहिए, फिर लोग बोलते कब तक करना चाहिए, ये आदत लग जाएंगी क्या, तो ये जब तक शादी नहीं होती तब तक करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद में फिर क्या होता है कि रोज एक बार दो बार शादी के तुरंत कुछ दिन बाद होते रहता है, तो फिर नेचुरली वो एक्साइटमेंट नहीं रहता है, जो ओवर एक्साइटमेंट है वो रहता नहीं, और फिर आप नॉर्मल हो जाता है। और दूसरा फिर उनको ये बोलता हूँ मैं कि फिर आप क्या करो कि विजुअलाइज करो, सेल्फ हिप्नोसिस करो, सेल्फ हिप्नोटिज्म में विजुअलाइज करो, और विजुअलाइज ये करो कि आप रिलेशनशिप में हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोर प्ले आप कर रहे हैं, और इतना करने के बावजूद भी आप वीर्य अपना रोक पा रहे हैं, रिलैक्स है, एंजॉय कर रहे हैं, और अपना वीर्य रुक रहा है, ऐसा विजुअलाइज करो बार बार। इरेक्शन बहुत आता होगा तो उसको स्क्वीज टेक्निक से स्क्वीज करो, ढीला करो जब अकेले है तो, और ऐसी प्रैक्टिस करो कि आप 10-12 मिनट तक वो चलते रहेंगे, वो आप खेलते रहेंगे 10-12 मिनट तक। तो ऐसी प्रैक्टिस जब आप घर में अकेले मास्टरबेशन में विजुअलाइजेशन में करते हो, तो एक्चुअली आप जब जाएंगे तब आपके ब्रेन को तो ये मालूम है कि मैंने ये पहले किया हुआ है और मेरा आराम से गिरा हुआ है, तो वो उस समय आराम से गिरेगा, जल्दी निकलेगा नहीं। ये वीडियो सभी वो लोगों को दे दो, शेयर करो जिनकी शादी होने की है, क्योंकि शादी होने की उनका सभी का ये प्रॉब्लम है। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि मुझे मिलने वाले जो लोग हैं, जो मेरे पास में आते हैं, वो पॉपुलेशन 90-95% लोग बोलते हैं कि हमारा रिलेशनशिप तो है ही और सेक्स तो होता ही है, लड़के रहो या लड़का रहो, जिनके नहीं होते वो हमारे पास में आते नहीं, जो आते उसमें से सभी मतलब 90-95% लोग बोलते कि हम रिलेशनशिप में हैं, सेक्स होता है और उसमें ये प्रॉब्लम है, तो उनको सबको शेयर करो ताकि ये प्रॉब्लम से वो निकल जाएंगे और अपना लाइफ वो एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये यदि आदत गिर गई जल्दी निकलने की,
शादी के बाद में भी ये आदत कायम रहेगी और फिर बाद में प्रॉब्लम होगा। थैंक यू वेरी मच।